कुर्सी पहाड़। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है। हाँ हाल चलत है काका, सरकार बनी के लागत है? अभी सरकार तो भाजपा के बन ही, भाजपा के बन। हाँ भाजपा काबर, अभी नरेंद्र मोदी थोड़कुन बने बने करत है बिचार हर। अच्छा हाँ, तो क्या छत्तीसगढ़ के नरेंद्र मोदी ला देख के वोट दी? हाँ दी ओला, काबर अभी सब लोग लैका डोगरी ढागरी सब ला चिन्ह थे बिचारा हर। अच्छा हाँ, अच्छा तो छत्तीसगढ़ सरकार से खुश नहीं हंसते ऑफिस वगैरह सरकार से? नहीं ओकरो से भी खुश है ना, वो भी किसानी मल्ला देखी थे और कछु कहीं जो भी दी थे। अच्छा, किसान मल तो समर्थन मूल्य में धान बीज। हाँ हाँ, बेची है कर्जा और जब सब मुक्त करे गरीब मन पर राज्य सरकार हर। हाँ, वो करी थे कछु कहीं, उसकी तो ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन। अच्छा, देखा किसान उसकी का? नहीं मैं किसान हूँ। अच्छा किसान। हाँ हाँ, क्या कर खेत है तो मोर हर? हाँ, वो 20 एकड़ है। अच्छा 20 एकड़। हाँ हाँ, तो अभी कांग्रेस कतक समर्थन मूल्य में रह के वादा करे कछु जाना था उसका? हाँ हाँ, ये लिखे थे जो ही दे डायरेक्टर लिखे थे दे। अच्छा, 200 मतलब 2800 क्विंटल धान खरीद। हाँ हाँ, 2800 रुपये दाम। हाँ 2800। माननीय भूपेश बघेल जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा मतलब ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या लागत है ये हर सुबह चुनावी वादा के लिए ही अला अब में? आप तो कही तो है आप, लेकिन कौन जाने लिखे की नहीं लाई जो। तो भाजपा भी 3000 में धान। हाँ हाँ, अहू भी कहा थे अहू भी। तो पूरा करी का लागत है? उसकीला तो नहीं जानत के, लेकिन कर दी के लिए तो ओती बोर्ड दे दी। अच्छा, 3000 कह दी के लिए। हाँ, और लेकिन का है हर जिसे 2800 करी से जो हर दे थे तो दे के पूरा चांस है। अच्छा, वो जब रमन सरकार रही भाजपा के। हाँ हाँ, तो बोनस वोनस भी शायद नहीं दे रही किसान नहीं दे के पर फिर मतलब किसान मन भरोसा करेंगे और लाभ से आप मुश्किल है? मुश्किल है नहीं। हाँ हाँ, अच्छा हम बसना विधानसभा चुनाव के बात कर। हाँ हाँ, आखिर माहौल चला थे थी अभी? हाँ हमारे में। हाँ, अभी माहौल बना के राखी थे कहला संपत राखी थे। अच्छा संपत अग्रवाल। हाँ हाँ, संपत अग्रवाल हर। अच्छा भाजपा से? हाँ भाजपा के काबर पहली ओहर निर्दलय कर कर रही तब बने अच्छा नंबर भी मतलब से जीते रही। अच्छा हाँ हाँ हाँ, और कांग्रेस में कौन है वो? कांग्रेस में अभी राजा देवेंद्र बहादुर है टक्कर दे पर। हाँ हाँ, और काकरो नाम सुने हैं सभी? आओ नहीं सुने के, ये दोनों जन है अभी हमारे मतलब व्यवस्था ब्लॉक में। कम से कम 12-13 जन और काकरो मतलब लोग लड़का कोई कोई चिन्ह नहीं है उमला। हाँ हाँ, जैसे उषा पटेल है जिला पंचायत ये उमला तो हमारे मन आज तक देखे नहीं है कती मेरे उषा पटेल का करके। हाँ, ये मैं जानता कहले दे संपत भैया ला जानथन और एवन ये बहादुर ला जानथन। तो संपत भैया और का जनहित में कुछ काम कर रहे थे थी? अभी ये हर संपत अग्रवाल का जो भी चीज में जिसे बलाथन के लिए आते हर खेल कूद कछु कहिए में और जो भी देते बेचारा देके जाते। हाँ, राजा साहब आते गांव में विधायक? राजा साहब हर हमारे गाँव लायक खेप अभी तक नहीं ऐसे। अच्छा हाँ, कुर्सी पहला। अच्छा, तो गांव में कितना विकास हुई से? विकास हर उसे अलवा जलवा जो भी हुई से हुई से, लेकिन नया बनी से सीसी रोड भावना मन तो कुछ अभी तक नहीं बनी से उसे। अच्छा, स्ट्रीट लाइट मन के का हाल चाल है गांव के जो खम्भा मन में बिजली खम्भा में लाइट लगे? लाइट लूटा तो नहीं है दे, देखा तो तुम्हार मन है दे पहला नाले वजला है दे कोड़कुड़ा के दे गाड़ी थे लेकिन अभी तक पानी पुना हर नहीं थे जो भी ये वाला हर आते। अच्छा हाँ हाँ, तो क्या लागत है संपत अग्रवाल टिकट मिली? हाँ मिली के लिए यार जीते के फुल चांस है का बार माहौल पूरा मना ली थे ना हर चीज में रिकॉर्ड बनी थी हर। हाँ, और नहीं मिली के लिए? नहीं मिली के लिए तो कौन जानी कहता हूँ का बार। हाँ, लेकिन मिली के लिए जीत दी? जीते के पूरा फुल चांस है काबर पौर लो हर अगलाए में तो बहुत कुछ एक ने मतलब ये हो रही है तुझे। हाँ, नाम जसपाल कलारी कुर्सी पहाड़ गांव। क्या कर सकते हैं? मैं अभी जिंदल में काम कर रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा हाँ, यहाँ गांव में रहना बहुत कम है। अच्छा हाँ, तो क्या लगते है काकर सरकार बनी के लगते है थोड़ा? अब राजनीति के बारे में उतना तो नहीं पता है। लेकिन तले मतलब तो जिंदल में रहता सुख है आना जाना करता एटी भी आना जाना करता तो का विकास कुछ होते वो तरफ तो कांग्रेस के बहुत है सपोर्ट है। हाँ, बहुत तो काम करे थे ना वो तरफ कांग्रेस वाला। हाँ, तो ओकरे छे वो तरफ बन सकत है। अच्छा, और हमर कोती का स्थिति? और हमर कोती के उतना बारे नहीं पता है ना बहुत कम रहता था तो लगता है कि हम जैसे कि वहाँ ले आते तो हमर तुहर गांव में कुछ विकास हो ऐसे लगते नहीं वैसे ज्यादा कुछ खास विकास नहीं हुई है ऐसे ठीक हुई है नॉर्मल जैसे होते तो शहर में कुछ लगता है कि गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, बहुत होना चाहिए बहुत कमी है यहाँ। अच्छा, जैसे का कमी के महसूस होते हैं? ऐसे लाइट के है रोड के है अभी सेंक्शन हुए है बोला थे रोड ला पता नहीं अब। हाँ, गाँव में सामुदायिक शौचालय है? नहीं नहीं है ना वो भी चाहिए। अच्छा, सामुदायिक शौचालय है ना? हाँ, और सामुदायिक भवन? हाँ भवन मंडली बहुत कुछ हुई बात है। हाँ, चार कब तक स्कूल है? स्कूल यहाँ 5वीं तक ही स्कूल ही बनना चाहिए। अच्छा हाँ,
जनसंख्या के हिसाब से लेकिन नहीं बनत है ना वही। अच्छा, पांचवी तक इसको। हाँ, पांचवी तक है। बाकी कतक बच्चे बाहर जाते हैं पढ़े बर यहाँ लगभग? यहाँ से लगभग वैसे जाते हैं 50-60। हाँ, वैसे हो जाते हैं 50-60। आंगनबाड़ी भी है? हाँ, आंगनबाड़ी भी है। अच्छा, जैसे अभी आप तो बाहर रहते हो रायगढ़ में, तो अभी आप बसना विधानसभा में आए हो, जैसे आप अभी अपने गांव आए हो, तो यहाँ पे कौन से जनप्रतिनिधि का आप माहौल ज्यादा देखते हैं? अभी यहाँ पर इसी का दिख रहा है, संपत का। ये जहाँ भी जाते हैं इनका ही न्यूज देखने को मिलता है। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम जितेंद्र है, कुर्सीपार से हैं। अच्छा, बताइए, अभी विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनने वाली है, विधानसभा क्या हाल चाल है? विधानसभा अभी कांग्रेस की सरकार फिर से बनने वाली है। अच्छा जी, है ना, भूपेश जी ने सारे वर्गों के लिए अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा से काम किया है, और वो दोबारा फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, पिछले समय जो जितना सीट निकाल पाए थे वैसे फिर होगा कि कुछ 75+? अच्छा जी। अच्छा, अपना विधानसभा बसना की बात करें, यहाँ क्या स्थिति रह रही है? बसना विधानसभा में देवेंद्र बहादुर जी फिर सार जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पिछले बार से बढ़ चढ़ कर अच्छा काम किया है जी। वो गांव-गांव जाकर अच्छा परिश्रम किया। अच्छा। लोगों का रुझान उनके प्रति बहुत अच्छा जी। तो क्या लगता है उनको फिर से एक बार? फिर से बार। तो उनके अलावा और 10-12 लोगों ने मतलब आवेदन दिए हैं? अब देखो, कांग्रेस जिसको टिकट देती है, जिसको कांग्रेस टिकट देती है वो फिर से जीतेगा इस क्षेत्र में। अच्छा जी, अब कितना कुछ विकास हुआ है सर गाँव में, बताइए, कांग्रेस के कार्यकाल में? कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ है, नल जल यहाँ पर बने हैं जी। और जो गरीबों के लिए जो भी प्रावधान है घर बनने का, प्रधानमंत्री आवास से प्रयास किया है, और उन्होंने क्या राशन कार्ड बनने में उन्होंने योगदान दिया है। अच्छा, 2800 रुपया समर्थन मूल्य और 20 क्विंटल धान खरीदी। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट होगा किसानों के लिए, प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा जी, कि जो भी भूपेश सरकार ने इसको लागू किया है इसमें किसान खुश हैं, किसानों को बहुत अच्छा योगदान मिला सरकार की ओर से। सर, भाजपा से और कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में इधर गांव में? भाजपा में अभी तक कोई जनसंपर्क में नहीं है जी। अच्छा, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय बसना विधानसभा से किसको टिकट दिलाने पर राजा देवेंद्र बहादुर जी को टक्कर दे सकते हैं? फिलहाल अभी राजा देवेंद्र बहादुर के लिए कठिन होगा लोगों को टक्कर देने के लिए, उनकी लोकप्रियता पिछले बार से बढ़ गई है। क्या नाम, कौन से गाँव से? जयमल कुलदीप, खुर्सीपार से। अच्छा, विधानसभा चुनाव किसका माहौल चल रहा है बसना में अभी? यहाँ तो फिलहाल कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस में कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में? बहुत नेता हैं, अब टिकट जिस किसी को भी मिलता है ना। अच्छा जी, तो जरूर जीतेगा वो जी। मतलब किसी को भी टिकट मिलेगा वो? हाँ, जीतेगा। मुझे क्या लगता है किनको टिकट मिलना चाहिए? राजा जी हैं, उनके वाला पटेल, अब देखिए जिला पंचायत जी सदस्य हैं। कांग्रेस में नसीब वालों को टिकट मिलता है जी, जिसकी नसीब अच्छी रहेगी जी उसको टिकट मिलेगा। अच्छा, अच्छा, भाजपा से कौन कौन जनसंपर्क में? भाजपा से तो अभी कोई जनसंपर्क में नहीं है। अच्छा, आपके जरूर कोशिश कर रहा है संपत अग्रवाल, संपत का बैनर देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, बाकी तो दूसरा कोई नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या लगता है संपत जी टक्कर दे सकते हैं राजा जी को टिकट मिलने पर? हाँ, टक्कर जरूर दे सकते हैं जी, लेकिन क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जी वो सेकंड पोजीशन में थे जी, अगर उस समय बीजेपी थे, हाँ, अगर टिकट देते, अगर बीजेपी टिकट दी होती उस समय जी, तो जरूर निकाल देते हो। गांव में कितना विकास हुआ? हमारे गांव में विकास हुआ है, सब है, अभी पानी टंकी बन रहा है, नल जल योजना चल रही है, गोठान का विकास हुआ, गोठान का भी विकास हुआ है। अच्छा, आम ग्रामीणों से कांग्रेस किन मुद्दों पर वोट मांगेगी इस बार? अब कांग्रेस के पास हर एक चीज का मुद्दा है, जैसे किसानों के लिए 2,850 रुपये धान खरीदी, गोबर खरीदी, ये पेंशन जो लागू किया है, ये अनेक मतलब मुद्दे हैं जो कांग्रेस लोगों के सामने जाकर बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन आवास एक मुद्दा रहा जिसमें पिछले 4 सालों से उन्होंने राशि रोक के रखा था, इसमें भी कई लोग नाराज हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? सुनिए, ये कहने की बात है, सरकार क्यों रुकेगी, राज्य सरकार क्यों रुकेगी? नहीं, 40% रहता है राज्य सरकार, ठीक है, वो नहीं रोकी है, ये बीजेपी वालों का एक हथकंडा है,
जब वहाँ से इन लोग पैसा नहीं देंगे तो 40% लोग मिला के कहाँ से देंगे। आज अभी भी हाँ रोक के रखी है केंद्र सरकार राज्य सरकार, हाँ क्योंकि इनका तो शुरू से भेदभाव मतलब करते आ रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी इन लोग वहाँ ये करने नहीं देते। अभी यहाँ देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ इनको ईडी सीबीआई इन्हीं के द्वारा डराया जाता है नेता लोगों को। तो इसमें जो गलत रहेगा वो डरेगा, जो गलत नहीं रहेगा क्यों डरेगा। जब भाजपा भी 3,000 क्विंटल में धान खरीद करने की बात करती है, वो सुनिए पिछले समय में रमन सिंह सरकार जब थे तो उन्होंने तो बोनस को ही नहीं दिया। और आज जो वादा करने से क्या है, ये सब बीजेपी वाले जितना हैं सब झूठे वादे करते हैं लोगों को बरगलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूँ, इनका जो आरएसएस से संबंधित लोग हैं ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही भारत देश में क्यों करते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं। लेकिन इनको क्या तकलीफ़ हो जाती है जब गांव में ये माहौल नहीं है, तो ये नेताओं लोग ज़बरदस्ती क्यों ऐसा करवा रहे हैं। जी अपने क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है जैसा लगता है? नहीं नहीं है, हम लोग बढ़िया प्रेम से हैं जी, लेकिन करवा रहे हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में योगी के राज में जब पुलिस के संरक्षण में हैं लोग और उनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जा रहा है, वहाँ कहाँ लाइन ऑर्डर है? और बड़े बड़े बात करते हैं, मोदी जहाँ भी जा रहे हैं उनकी बेइज्जती हो रही है। अभी जोहान्सबर्ग गए थे वहाँ भी बेइज्जती हुई है। आज के न्यूज़ में ये भी आया है कि इन्होंने क्या कहा, चीन ने पहल की थी बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट खंडन कर दिया। लेकिन गांव के लोग तो कहते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगी, भले ही नहीं बनेगी इस साल, नहीं बनेगी 24 में किसी भी हालत में नहीं आएगी। जितना ठगे ठग ले, गांव वालों को इसे कहना कि भले राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी इंडिया की सरकार बनेगी। जब इनको इंडिया पसंद नहीं है तो आप सोच विचार कर लीजिए। और एक अभी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर को सोच विचार करके तो कानून बनाया होगा। आज सिर्फ दलितों को पीड़ितों को ये सता रहे हैं बस, और कुछ नहीं, बस लोगों को ठग रहे हैं। स्मृति ईरानी बोलती थी कि क्या बोलते हैं सिलेंडर इतना रेट हो गया, वो आज कहाँ गई? 1,250 आदमी इसमें तो अडानी और अम्बानी अमीर आदमी बन गए, वो तो लॉलीपॉप दिए थे। आज मैरिज कुर्सी पर हर गाँव में आप जाकर देखिए घर घर कौन कितना गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से पाएंगे गरीब आदमी। और बेरोजगारी तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी हुई है, एक गरीब आदमी कैसे अपने परिवार का परवरिश करेगा। सिर्फ ये कागजों में सिर हैं, जमीनी हकीकत इन लोगों का शून्य है एकदम। शराब घोटाला और कोल ब्लॉक वाला घोटाला, ये सुनिए एक चीज बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार पे बहुत आरोप लग रहा है। सुनिए उन्होंने दो विधायक, ये इन्होंने आरोप लगाते हैं प्रूफ नहीं कर, ने लगाया है ना, मतलब सुनिए मतलब बनाए हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ उस चीज को है कि नहीं। अभी फिलहाल एजार ढेबर का भाई जमानत में है, ये सिर्फ बरगलाने की लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, जान रहे सिर्फ लोगों को चुतिया बनाओ राज करो। अंग्रेज जैसे आए थे फूट डालो और राज करो, यही नहीं तीनों अपनाना चाह रहे हैं। लेकिन 2024 में ऐसा होने वाला और नहीं है, सब युवा जाग चुके हैं। जब प्रधानमंत्री जी देश के हैं और वो बोलते हैं पकड़ा तो लो, कितनी शर्म की बात है। वो अपना चाय बेचा तो कोई भी जवान व्यक्ति पकड़ा तलेगा, अपने परिवार को पालेगा। हर आदमी को गवर्नमेंट मतलब जॉब मिले ये तो हमारे, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत वैकेंसी निकली है, प्लेसमेंट कैंप भी चल रहा है, बहुत जने नौकरी पाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब भजिया दुकान लगाने में क्या बुराई है, आदमी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कुर्सी पहाड़ में 20 आदमी अगर दुकान खोलेंगे कौन किसका व्यवसाय चलेगा? तो हर आदमी भजिया थोड़ी चलेगा भैया, कोई अलग अलग व्यवसाय भी कर सकता है। आज सुनिए जी, आज हमारे जवान त्रस्त हैं जी, बेरोजगार बैठे हुए हैं, कहीं कुछ कमाई नहीं है। अभी तो फिलहाल कम से कम 2500 रुपए
छात्र मतलब छात्रवृत्ति दे रहा है जवानों को, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता सभी को थोड़ी मिला है जो फार्म। अब सरकार भी इतने सारे नियम बना दिए कि बहुत नहीं, सुनिए मतलब एक चीज बता रहा हूँ, आप बेरोजगार हैं भाई, आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो उस कैटेगरी में जब आप नहीं आएंगे तो सरकार कैसे देगी। हाँ, लेकिन जो कैटेगरी में आ भी रहे उनका कहना है कि नियम शर्त ऐसे बनाया गया कि बहुत पेजी है, मतलब नहीं ऐसे नहीं है जिसमें फायदा नहीं मिला। नहीं नहीं, जो डाले हैं अभी भी आवेदन कर रहे हैं लोग और निरंतर न्याय गोधन का पैसा, बेरोजगारी भत्ता अभी भी मिल रहा है। अच्छा, अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो भारत जो है लगातार तरक्की कर रहा है। हाँ। भारत अपना जो है अभी चंद्रयान 3 चांद पर भेजा है, इसके लिए आप किसको उपलब्धि देना चाहेंगे? एक चीज बताऊं, ये उपलब्धि उन वैज्ञानिकों के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है जो जोहान्सबर्ग से क्या बोलते हैं अपना ये दिखा रहे हैं। मेहनत तो नहीं किया है, उसके बारे में क्या जानता है, साइंटिस्ट हो, दिन रात मेहनत करके आज 17-17 महीना का वेतन नहीं दिया है हमारे क्या बोलते साइंटिस्ट लोग, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं जो सपना को साकार किया, आज उसका श्रेय लेने के लिए आज पहुँच गए कर्नाटक, आज सुबह उनका भाषण देख रहा था मैं। ऐसे होता है जो मेहनत करे हैं उसको कुछ ना मिले, और जो मेहनत ना करे वो राजभवन में सोए रात गुजारे, कहाँ का नियम है ये?